अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं जी। आज आप खुद खाते हैं जी। सरदार इरफान साहब हैं, डोगर शेखुपुरा से, उनका सबल दिखाते हैं और उनके घोड़े दिखाते हैं जी आपको जी। ये थोड़ा ही देना आपका बात जी जी। ये रात में साढ़े बाया चले जाते हैं ये जी इनकी। अच्छा जी, इधर बांधते हैं रात को अंदर? हाँ, ठंड की वजह से खुला ही होता है जी। सही है। तो ये कितने घोड़ों की जगह बनी हुई है? ये 7 इस तरफ है और उधर तो ज्यादा है, एक में दो दो तीन तीन के हैं बच्चे। अच्छा, लेकिन घोड़े जो है ना एक में एक ही होता है। ठीक है। अभी आपके पास इधर कितने मौजूद हैं जी घोड़े घोड़ियाँ मिला के? तकरीबन 20-22 बनते हैं। अच्छा, मतलब आपकी ये दो सेक्शंस बन रही हैं या तीन सेक्शन बन रही हैं? नहीं, दो सेक्शन बनती हैं लेकिन छोटे बच्चे भी साथ हैं ना। अच्छा, सही हो गया जी। ये जी आपको विज़िट करा रहे हैं जी सरदार इरफान साहब, डोगर MNA फ्राम शेखुपुरा। ये उनका डेरा है जी। और इसका ज़रा आए ना जी, ज़रा कोई डिटेल बताएं ज़रा। ये निज़ाबाज घोड़े हैं। अच्छा, ये बताइएगा ये देसी घोड़ा है या मिक्स है या क्या है? ये मिक्स है, माँ इसकी देसी है, प्योर इसका जो है ना हर ग्रेड है। ये नवाब अता ने हमें घोड़ी दी, नवाब अता कोट फतेह खान देसी के। उसने घोड़ी गिफ्ट दी थी, प्रेग्नेंट आई। अच्छा, आजा आजा आजा। अभी जी इसकी क्या एज है? अभी ये 2 साल का। 2 साल के हैं। अच्छा, तो सवारी कर रहे हैं इस पे? अभी शुरू, अभी ट्रेंड कर रहे हैं नजर इसके ऊपर डाल के ना कट की। अब बोलते हैं लाडू निकाल रहे हैं। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। और इस कलर को क्या कहते हैं जी? इस कलर का क्या नाम? कलर बोस्की कलर। बड़ा खूबसूरत और बड़ा नायाब कलर है। ये अरबी है जी साडा, बोलो अल नखल ए मोना दी टू एचएस लिया है। ये होता बच्चा है जी, मां है जी, देसी है जी। अच्छा जी, इसका जरा बताइएगा। हां जी, हां जी, बंदा को नवाब ही बंदा और नहीं जी, ये साडा छोटा जी है। अच्छा जी, अच्छा जी, इसका जरा बताइएगा। ताले भाई इधर आए जरा। ये इसकी मां देसी है और बाप जो है ना जी अल नखल, उसका नाम है अरबी घोड़ा है। ठीक है। 40 किलोमीटर का विनर घोड़ा है वो, हमारे पास ही था अभी थोड़े दिनों पहले हमने बेचा है। ठीक है जी। और इसकी क्या उम्र होगी जी? इसकी ये 26 मास माँ का है। अच्छा, और इस पे भी अभी सवारी अभी राइडिंग इस पे कर रहे हैं बस। इसकी शेप तो लग रही है ना जी। हाँ, और इस कलर को क्या कहते हैं जी? सावा, 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 सावा हो गए। अच्छा चलें जी, सब जी नेजाबाजी के। साढ़े कोल अरबी घोड़े खले हैं, 78 लाख की घोड़ी मंगवाई है पिछले दिन। अच्छा जी, इसका जरा 1.5-2 लाख ये सिर्फ साढ़े। ये जी किस घोड़े से क्रॉस हुए? ये जी ये है अपना अरबी, अरबिक है ना, मिक्स है कि प्योर अरबिक है? ये प्योर अरबिक, प्योर अरबिक। इसकी अरबी है और बाप इसका, इसका जो है ना पूरे पाकिस्तान में विनर है जान, वो भी हमारे पास खड़ा है। अच्छा जी, सरदार इरफान डोगर है ये जी। सरदार इरफान डोगर साहब है मैन, आप आए जी। मैं आप, अच्छा जी जी, इसका ये वो वाला नहीं है, उसकी ये बहन है, उसकी माँ मर गई है और इनका बाप जो है ना जी जरदारी का एक घोड़ा खड़ा है अपना बैरियर टाउन में कर्मा वाला। नहीं नहीं नहीं, नहीं।
अच्छा ये कौन सा पे? ब्लैक कलर का था, पता नहीं उसका नाम मुझे नहीं है। अच्छा ये और है कोई? बाहर किसी शहजादे ने उसको गिफ्ट किया हाँ था ये। पोर्ट किया था। हाँ ये उसका बेटा है, अच्छा बेटी है, वो दोनों बेटे उसके हैं, वो आखिरी साइड पे। अच्छा ये जी मछेरे आ गए। ब्लैक की बच्ची है और घोड़े की, सही है ये इसकी माँ यही है, सही है। अभी फिर प्रेग्नेंट है, अच्छा प्रेग्नेंट जो है। अंदर खड़ा है उसकी माँ आगे खड़ी है, और इसकी वो चली गई है क्रॉस होने के लिए, इसकी माँ, सही है। अभी वो बहू सुल्तान गई है क्रॉस होने के लिए। अच्छा हाँ जी, ये फखरे बखर है एक घोड़ा, उसकी ये बच्ची है फखरे बखर की। हाँ जी, इसको मैं कवर से बाहर निकाल रहा हूँ। हाँ सील नहीं होगी। चलो अच्छा जी ठीक है ये आगे वैसे नौकरों की है। जी जी अच्छा जी इस तरह आ जाते हैं जी। ये हमारे देसी घोड़े हैं। अच्छा जिस पे आप नज़रबाजी कर रहे हो? इस पे मैंने साहब खुद करते हैं। इसका क्या नाम है जी? शहनशाह। और क्या उम्र होगी इसकी जी? इसकी ये अभी फुल जवान नहीं हो, 4 साल का है। अच्छा हाँ जी, इसकी उम्र 4 साल। मतलब अपने घर का है या बाहर से? घर का है। अपने घर का है जी, मतलब टीम लीड इस पे हो रही है। हाँ सही है जी, चलिए जी आगे आ जाते हैं। इसका नाम है जी सुल्तान। सुल्तान है भी सुल्तान? हाँ जी, बहुत आला किस्म का ये घोड़ा है। अच्छा बहुत आला किस्म। और ये भी घर से है या? ये घर का है। अच्छा ये एक नस्ल है जी जंग की, ये उसमें से है। अच्छा जी, और इसका नाम है सुहाग। सुहाग, सुहाग तो कोई मुझे गर्म मिजाज लग रहा है। नहीं वैसे ही ज़रा एंजॉय कर रहा है। अच्छा ये भी घर का है जी? ये सब घर के ही है अपने बड़ी। और क्या एज होगी जी इसकी? ये तकरीबन 6-7 साल का है। 6-7 साल के है, मतलब ये सब जो अभी बांधे हुए हैं ये सारे ये आप नेजाबाजी कर रहे हैं? हाँ जी ये कर रहे हैं सब। अच्छा इसका नाम है आलीशान। आलीशान अच्छा जी, गुड हो गया जी। और इसका नाम है प्रीतम। प्रीतम प्रीतम, अच्छा जैसे वो राजपूत अपनी फैमिली से बिलोंग करते हैं वैसे ही नाम भी रख दिए हैं। और प्रीतम तो जी माशाल्लाह है भी बहुत खूबसूरत। क्या है इसकी एज होगी जी? इसकी तकरीबन 5.5 साल है। अच्छा इसकी कोई थोड़ी सी और बताए ना मालूमात, देखने में भी बहुत खूबसूरत है। नहीं माशाल्लाह ये बहुत, ये दोनों भाई हैं प्रीतम और ये इसका नाम अरसलान है। अरसलान, इनका बाप एक ही है, माँ इलेदा इलेदा। अच्छा प्रीतम और अरसलान दोनों भाई हैं। ये जरदारी का घोड़ा है, उसको शहजादे ने गिफ्ट किया था, उसके बच्चे हैं ये। ये वाला और जो आपने पहले वाला दिखाया है? ये दोनों। अच्छा ये दोनों, वो घोड़ी जो है ना वो इसको आई बार इधर। आपने पहले रिंग लगाया हुआ था या क्या कर रहे थे? रिंग लगाया था या वैसे उसको? इसको इस तरह होता है जब हम इसको सवारी के लिए निकालते हैं ना। अच्छा इसमें वार्म अप करते हैं। मैं समझता हूँ इस चीज को। हाँ ठीक है, डोरी लगा के ना वार्म अप जब हो जाए। हाँ तो वैसे अगर रिंग भी लगा हो तो ज्यादा खूबसूरत भी बनता है ना? बन तो सकता है, किया नहीं है वो सिस्टम? नहीं है। सही है, चलो क्लब का नेम है जी पटियाला क्लब है। पटियाला टेंट पैकिंग क्लब। असल में ये छोटा सा इनका स्टड है। अच्छा असल जो है ना
तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको विजिट तकरीबन 2-3 घंटे लग जाने। अच्छा अच्छा चले इंशाल्लाह। पूरे 25 एकड़ में है वो, नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे। इधर मैं आपको फिर दिखवा देता हूँ, बस आया ये टोका लगा हुआ है। सही है, ये हमारी बकरियाँ उधर हैं उनके लिए ये चारा ये सही है। ये नहीं अपनी मुंगी ये उसका। ये जी हमने आपको विज़िट कराया जी सरदार इरफान साहब का। मैं आपको क्या कहूँ जी कि घोड़ों की या अस्तबल आप कह सकते हैं, स्टेबल कह सकते हैं, उनके स्टाइलेंस जो हैं वो यहाँ पे हैं। आज उनके डेरे का विज़िट किया है, उनके जो घोड़े थे उनकी सारी मालूमात आपसे शेयर की है जी। मज़ीद भी एक वो कह रहे हैं कि हमारा एक और स्टड फार्म है और उस पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको विज़िट कराएंगे। तो ये जी इनका स्टड फार्म है, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं गया, मुख्तसर सी वीडियो बनाई है कि एक शॉर्ट्स एंड कंट्रो हो जाए और इनका जो डेरा है वो हम खुद भी देखें और सबको दिखा भी सकें जी। तो ये जी